भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। नमस्कार दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा मैं ऑडिबल विजिबल टू एवरीवन, है ना। फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को, ठीक है। एक बार बढ़िया तरीके से कमेंट बॉक्स पे लिख दो, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन है इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे तो मैं इसमें 5 बजे डेली बेसिस पे लूसेंट कर कल भी कराऊंगा आपको 5 बजे, ठीक है। आज हम थोड़ा ना स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन करते हैं बल्क में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं बल्क में कराने वाला हूँ, मैं आपको इसको कंटिन्यू कराऊंगा अनअकैडमिक क्लासेस में भी, ठीक है, अभी जो होंगी। बाकी रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा आज भी एसएससी गुरु चैनल पर। ये एसएससी गुरु चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एसएससी की ही तैयारी कर रहे हो तो रात को 8 बजे जुड़ना जरूरी आप सभी के लिए। अनअकैडमी कॉम्पैक्ट देगा, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट अभी आज संडे था, आज हुआ होगा, ठीक है, 12 बजे। उम्मीद है कईयों ने पार्टिसिपेशन किया होगा, अगर नहीं किया तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। और ये रेफर कोड लाइव अमन यूज करके आप नेक्स्ट टाइम भी संडे को जुड़ सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो। और उससे पहले आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, कि आप प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा आपको, है ना। उसी टेस्ट सीरीज में आप सीख सकोगे। कोर्सेज आपके लिए लाइव है, पूरे 25 अप्रैल से अब नया कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फीस उसकी उतनी ही रखी है, इस मंथ में आपकी फीस का कोई चेंज नहीं है, तो भाई फीस तो अपनी उतनी रहेगी। रेफर कोड यूज करके आप जुड़ सकते हैं, पूरी टीम के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी टीम आपको पढ़ा रही है, पूरी टीम आपको सभी सब्जेक्ट मॉक टेस्ट डाउट सेशन सब कुछ क्लियर करेगी। इसी रेफर कोड पे डिस्काउंट है हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी करो, गेट सर्टिफिकेट करके मन सेलेक्ट करो, तो हैवा रेफर कोड में लगाओ लाइव वन, जिससे आपका डिस्काउंट हो जाए। ये तरीका रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा आज के, ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है तो सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। गोल्डन दरवाजा इज द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात। ये कहां पे सिचुएटेड, गोल्डन दरवाजा कहां पे सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। गोल्डन दरवाजा जो है ना, ठीक है, हाईएस्ट गेटवे है ये वर्ल्ड का, शेयर करना सेशन को। आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का ना, उत्तर प्रदेश में, गोल्डन दरवाजा है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में। और ये पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आप ना कुछ ऐसा सीख लो, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं लोकेशन वाले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, बताइए कौन सा विटामिन जो है सनलाइट से ऑब्टेन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कमेंट करिए कौन सा विटामिन सनलाइट से ऑब्टेन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, ऑब्वियसली सनलाइट से विटामिन डी मिलता है फुल, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, 76 फीट इसकी हाइट है, लेकिन बाकी अभी हम इन्फॉर्मेशन उसके बाद में लेंगे। पहले क्वेश्चन देखो ना, 500 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हम उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी रिवीजन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली, है ना। जो भाई तारे क्यों चमकते हैं, हम ये सवाल पूछ रहे, तो आप बताइए तारे क्यों चमकते हैं, कमेंट करेगा तारे क्यों चमकते हैं जल्दी से बताइए, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से तारे चमकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा तारे चमकने का कारण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टी आई आर का सिस्टम जो है, ठीक है, तारे चमकने का कारण यही होता है बेटा। शेयर करना सारे के सारे, ठीक, चलिए जल्दी से शेयर करना, है ना। टोटल टी आई आर होता है, अरे रे टी आई आर दे रखा है इसमें, नहीं गलत ऑप्शन दे रखा है इसमें, मार्क ही गलत कर रखा है कि एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है, ऑप्शन में दे रखा है एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टी आई आर गलत दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका आंसर है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है, तो वही चीज रिफ्रैक्शन ऑफ एटमोस्फेयर में लिख रखी है, डी ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है आंसर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन का पीडीएफ में आंसर गलत दे रखा है, आंसर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, टी आई आर मत लगाइए गलती से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच सब्सटेंस इज मिक्स्ड टू द रबड़ टू स्टिफन इट, भाई रबड़ को ठोस बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप भी पीडीएफ को देख के लग दिए हैं, टिक करते रहो आंसर देखो, ठीक है बेटा। याद रखना क्वेश्चन में कभी कभी पीडीएफ में आंसर गलत हो जाता है यार, इंसान ही टिक, इंसान ने ही उस पीडीएफ को बनाया है ना, तो हो सकता है ऐसा कि गलत पीडीएफ में आंसर लिखा हो, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना चाहिए। सल्फर इसका आंसर है, होता क्या है बेटा, आइसोप्रीन एक सॉफ्ट रबड़ होती है, आइसोप्रीन जो है ना एक सॉफ्ट रबड़ होती है, उसमें सल्फर डाल के उसे नियोप्रीन बनाया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रबड़ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है, शेयर करना बेटा सेशन, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सारा,
ये जैसे अगर मैं बताऊं गुग्गा गुग्गा डांस, झूमर डांस, धमाल डांस, मंजीरा डांस, ये यार सारे इतने सारे डांस कौन सी स्टेट से हैं? जल्दी से बताइए। गुग्गा बड़ा प्यारा नाम है यार। ठीक, गुग्गा, झूमर, धमाल, मंजीरा, ठीक है, एक ना एक डांस से समझ आ गया होगा कि किस स्टेट के हैं डांस, है ना, एक ही से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा। झूमर देखिए और गुग्गा और ये सब धमाल डांस देख के धमाल हरियाणा वाले मचाते हैं। ठीक है, तो भाई आंसर इसका क्या है? हरियाणा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, घूमर और झूमर में फर्क होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। विच पार्ट ऑफ कैमरा वर्क सिमिलर टू द ह्यूमन आई? इंसान की आंखों जैसा सिमिलर काम करता है कैमरे का कौन सा भाग? जल्दी चल रहे, कैमरे का कौन सा भाग जो है जो हमारी आंखें होती है ना उसके सिमिलर जैसा काम करता है, बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब ये इसमें एक फिल्म दे रखा है और एक लेंस दे रखा है, ऑब्वियसली यार फिल्म ही काम करेगा ना आंखों वाला, तो ठीक है फिल्म ही करेगा ना काम, ठीक है आंखों वाला, ठीक है कैमरे का लेंस नहीं करता। ज्यादातर बच्चे लेंस आंसर लगाते हैं इसका, ये आंसर बिल्कुल गलत है, लेंस आंसर बिल्कुल गलत है, एक कंप्लीटली इनकरेक्ट आंसर, कंप्लीटली इनकरेक्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखिए, अपर्णा पोपट, ठीक है अपर्णा पोपट जो है किस खेल से संबंधित है? आंसर नए नए क्वेश्चन नए नए आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ आज। बताइए भाई अपर्णा पोपट जो है ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिए, पूरे पढ़ लो, स्टार्टिंग कीजिए, सारा आना चाहिए। ठीक है, बताओ भाई आंसर क्या है? खिलाड़ियों के नाम होते हैं हमें पता होने चाहिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द लवली क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते रहने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये सब जानते हैं, लवानी इज अ, ठीक है, ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन? ठीक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, अब भाई ये तो फेमस है ना, ठीक है, तो ये लावणी करते ही है महाराष्ट्र में। ठीक है, लावणी, ठीक है, और आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवी में दिखाते हैं, ठीक है, लावणी डांस फोक डांस है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आसान क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? बेटा जब जैसे मान लो हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे फोटोकेमिकल स्मोक है तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? नीचे ना डी ऑप्शन दे रखा है, ओजोन। डी ऑप्शन क्या दे रखा? ओजोन दे रखा है बेटा। ठीक है, डी ऑप्शन ओजोन दे रखा और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन जो कट गया है ना, ओजोन दे रखा है और यही करेक्ट आंसर है कि बेटा ओजोन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओजोन पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बलि यात्रा जो है किस स्टेट की यात्रा? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यात्रा एक फेस्टिवल टाइप बनाया जाता है, बलि यात्रा फेस्टिवल है एक तरीके से, किस स्टेट का? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा बेटा, शेयर करना मैक्सिमम, बढ़िया क्वेश्चन है सारे सारे। ठीक है, काम के क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक है, बताइए आंसर क्या? ठीक है बेटा, याद रखिएगा, बलि यात्रा कहाँ की यात्रा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डॉग बाइट से रेबीज होता है और किसके काटने से हो सकता है रेबीज? जल्दी से बताइए, एक तो कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, लेकिन और किसके काटने से हो सकता है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो चमगादड़ जो है, चमगादड़ के काटने से हो सकता है क्या? ठीक है, चमगादड़ के काटने से पॉसिबल है। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ आमिर खुसरो? अब ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया कि भाई हमें आमिर खुसरो का असली नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं आपसे अभी, ऐसे ये क्वेश्चन मुश्किल है, पेपर में आया तो ये मुश्किल है। पेपर में आने के बाद ये मुश्किल लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, अब्दुल हसन इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? आप देखो यार,
प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है? साइटोकिनिन है, इथाइलिन फलों को पकाने के लिए जिब्रेलिन है, इवन ऑक्सिन दिया होता वो भी होता, लेकिन यहाँ पे जो इंसुलिन लिखा है ये प्लांट हार्मोन नहीं है, एनिमल हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? हमारे शरीर में होता है, तो इंसुलिन क्या है? एक एनिमल हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन डिवाइस किसके काम आती है? अब ये ऐसा आसान क्वेश्चन कई बार सुना होगा साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के बारे में सुना होगा, शेयर करना। ठीक है, शेयर करना। मैंने आज ना एक अकेडमी क्लास दोबारा लगाई है, जैसे मैंने कल लगाई थी ना 6:15 पे क्लास काम की। ठीक है, वैसे आप दोबारा लगाइए, बताइए क्वेश्चन, बताइए आंसर, बताइए, फिर करेंगे, मैं लिंक लगा दूंगा उसका। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। साइक्लोट्रॉन डिवाइस जो है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? जल्दी से बताएं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, ठीक है, आसान है, राजस्थान में होगा, ये तो सभी को पता है, लेकिन भाई राजस्थान में कहां पे होगा तो याद रखिएगा, राजस्थान में जोधपुर में। ठीक है, कहां पे? ठीक है, राजस्थान में जोधपुर में। एरिड से ही समझ आ रहा होगा राजस्थान, अगर आपको ऐसे अलग से स्टेट दी होती है ना अलग अलग, तो आसानी से बता देते कि राजस्थान इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ कोल इज यूज टू प्रोड्यूस द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी? बताइए कौन से टाइप का कोल जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज में आता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम एंथ्रासाइट, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है एंथ्रासाइट, जो भारत में कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है कोल का, कोयले का इंपोर्ट करता है भारत। कारण क्या है? क्योंकि एंथ्रासाइट हमारे देश में कम पाया जाता है, और एंथ्रासाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। विच वन ऑफ द कूलिंग सब्सटेंस डज नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट? कौन सा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, बताइएगा कौन सा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है? ठीक है बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ग्लास का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता यार, ग्लास मेल्ट नहीं होता। ठीक है, ग्लास ब्रेक हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अच्छे क्वेश्चन थे बेटा। रैपिड फायर की जगह अभी मैं ना क्लास में क्या कराने वाला हूँ, जो अभी हम क्लास करेंगे उसमें हम क्या करेंगे बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी हम क्लास में अन अकेडमी का एक सेशन कर देंगे 6:15 पे, बढ़िया वाला। ठीक है, आंसर क्या? विच केमिकल इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड? ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है सोडियम बेंजोएट, इसका आंसर है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। हाँ जी, पोरस कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से सबसे बेकार कंडक्टर कौन सा है? हीट का सबसे पोरस कंडक्टर कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोरस कंडक्टर ऑफ हीट? जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, देखो इसमें पोरस कंडक्टर ऑफ हीट में लिखा हुआ, ऑब्वियसली लेड सीसा दे रखा है। ठीक है, सीसा जो है पोरस कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका गलेना जो होता बनता ना ओवर, वो भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, सोल्व करो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो एलपीजी गैस में लीकेज जो होता है ना वो डिटेक्ट हो जाता है, और उसमें एक गैस होती है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट होता है। अब बताइए कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से वो डिटेक्ट होता है एलपीजी गैस का लीकेज? बताइए एलपीजी गैस का लीकेज किस गैस की वजह से डिटेक्ट होता है? ठीक है बेटा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? एलपीजी गैस का लीकेज किस वजह से डिटेक्ट होता है? थायो इथिलीन की वजह से, थायो इथेनॉल की वजह से। ठीक है, जो इसमें लिखा है थायो इथेनॉल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे जाते हैं पता तुम्हें? एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है बताइए? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कमेंट करिएगा। मेटाबॉलिज्म इज नॉट जस्ट डाइजेशन, इट इज मोर देन दैट। बताइए क्या होता है मेटाबॉलिज्म?
ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर, एनालिसिस एंड द कैटालिसिस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, एनालिसिस एंड द कैटालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इसका आंसर है, सी इसका क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, पता है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा ह्यूमन का। ठीक है, एक किसी आम इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा बताइएगा, सोल्व करेगा बेटे। याद रखना आज रात को 8 बजे एसएससी गुरु चैनल पे दोबारा क्लास रखी हुई है, कौन से चैनल पे, एसएससी गुरु चैनल पे, जो बेटा क्लास रखी है रात को 8 बजे, ये रात को 8 बजे क्लास रखी है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर कितना, ठीक है, याद रखिए 80 120। आपको कहेगा सर 120 80 होता है, तो भाई 120 80 बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहेगा वैल्यू यही ना, वैल्यू तो यही रहेगा, तो वैल्यू के हिसाब से आंसर यही है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बट विच स्टेट इज नोन एज द मिल्क पेल ऑफ इंडिया, जल्दी से देना। ठीक है, भारत में दूध का पात्र किसे कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहां पे होता है आपके हिसाब से। ठीक है, आसान है वैसे ये क्वेश्चन कि भाई मिल्क का प्रोडक्शन पूछा है सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो हम तो सभी जानते हैं मिल्क का प्रोडक्शन कहां पे होता है, देखो आसान क्वेश्चन है। अब क्या ये हरियाणा इसका आंसर है, हरियाणा में। अब कोई कहे गुजरात, बेटा गुजरात का आंसर नहीं होगा, गुजरात गलती से क्यों लिखते हैं कि भाई मिल्क रेवोल्यूशन वहां पे हुआ था, गुजरात होगा ना आंसर है, मिल्क पेल को कहते हैं कि हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, डेविल फिश कौन सी है, इसमें से कौन सी फिश बेटा डेविल है, जल्दी से बताइए, घातक है खतरनाक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, कमेंट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेविल फिश, अमंग द फॉलोइंग कौन सा डेविल फिश है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आंसर है ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस इज द डेविल फिश, शेयर करना सेशन को जल्दी से बताएगा, ऑक्टोपस इज द डेविल फिश। व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, बताइए कौन सा रेडिएशन जो है, ठीक है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेंगे। चलो आंसर क्या है बेटा, याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड जो है ना, ठीक है, ये होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है आप सभी से। ठीक है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में रेडिएशन कहां पे होती है, इंफ्रारेड में होती है ऑब्वियसली। ठीक है, हाईएस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इंडिया, हमारे देश में जैसे अगर मैं बात करूं बिजली का उत्पादन जो होता है सबसे ज्यादा किससे होता है, ठीक है, बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा किससे होता है, कमेंट करेगा आंसर क्या है। ठीक है, आसान है, थर्मल पावर रेडिएशन जो, थर्मल पावर जो है कोयले से जो मिलता है वो सबसे ज्यादा होता होगा, इसलिए है ना बेसिक सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो। ठीक, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में, बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन वैसे ही बताते हैं। ठीक ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है, क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन का वर्थ है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत वर्थी क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, मेरे आए हुए क्वेश्चन आ भी रहे हैं सीएचएस सर में, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। ठीक, आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे स्टेट में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से। ठीक है, याद रखिए, ठीक है, पूछा जा सकता है आप सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन, जल्दी से बताइए, वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, वर्ल्ड आर्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो वर्ल्ड आर्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को ये आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। ठीक, चलो जी एक और क्वेश्चन उठाओ, अगर आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो तो इंडियन पॉलिटी जरूर सर्च करना यूट्यूब पे एक बार। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर आईटी कंपनी ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सी मेजर आईटी कंपनी नहीं है इंडिया की, जल्दी से होते। ठीक, कौन सी मेजर आईटी कंपनी नहीं है इंडिया की, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का, होल आईटी कंपनी नहीं है ऑब्वियसली, होल इज द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, बाकी टीसीएस, इन्फोसे, एनआईटी, ये सब आईटी है। ठीक है, लेकिन होल इज एन एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी, तो वो आईटी से संबंधित डेफिनेटली नहीं है, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है,
डैश वॉज द फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया. भारत में सबसे पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग किसे मिला था बताइए. भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था. अच्छा क्वेश्चन. ठीक है बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला जीआई टैग इसमें दार्जिलिंग टी लिखा हुआ ऑप्शन में एक तो. ठीक है क्या इसका आंसर दार्जिलिंग टी है. ठीक है बताइए क्या इसका आंसर दार्जिलिंग टी है. ठीक नागपुर ऑरेंज मतलब सारी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ जितने भी दिखा रखे हैं इसमें, लेकिन दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला था. क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी को जीआई टैग मिला और सारे फेमस भी हैं, तो बच्चा डाउट में आ जाता है, लेकिन दार्जिलिंग टी इसका आंसर है. ठीक है बेटा याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या. लक्ष्मण झूला इज अ सस्पेंशन ब्रिज वी ऑल नो. ठीक है लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अक्रॉस द रिवर गंगा. गंगा नदी में किसके ऊपर. लक्ष्मण झूला फेमस है यार, सारे हरिद्वार जाते हैं तो उन्हें पता ही होगा लक्ष्मण झूला. ठीक है कि भाई ये सस्पेंशन ब्रिज है. ठीक लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में डेफिनेटली क्योंकि हरिद्वार जाते हुए तो आता है. ठीक है बच्चा कंफ्यूज होगा भी तो इसमें यूपी में हो सकता है, वो भी यूपी में इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि उत्तराखंडी होगा. ठीक है आसान क्वेश्चन बिहार बताने वालों. ठीक है क्या सोचे बताए थे बिहार. ठीक बताओ कुमरकोम बर्ड सेंचुरी कहां पे बताइए. कहां पे बर्ड सेंचुरी फेमस है. कुमरकोम बर्ड सेंचुरी कहां पे जल्दी से बताइए. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. छह कमेंट करिए. अच्छे क्वेश्चन में से एक है पूछा जा सकता है कुमरकोम बर्ड सेंचुरी कहां पे. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ठीक है बताइए सारे सारे सोल्व करो बेटा आंसर क्या है. ठीक है ये बर्ड सेंचुरी कहां पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है. ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है. आंसर क्या है इस क्वेश्चन का. केरला में. अब ये ऐसे नए क्वेश्चन आने हैं. ठीक है हम वो क्वेश्चन पकड़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकता है. मैं भी आपको 6:15 पे आज जो क्वेश्चन कराऊंगा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है 6:15 पे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक गुरु गोविंद सिंह गोल्ड कप जो है किस फील्ड से संबंधित. जल्दी से बताइए गुरु गोविंद सिंह गोल्ड कप किस फील्ड से संबंधित है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ठीक अब बताइए गोल्ड कप किस खेल से संबंधित होगा बताइए. अच्छा क्वेश्चन. ठीक अब पार्टिसिपेट करोगे तभी समझ जाएंगे ना क्वेश्चन. इतने सारे क्वेश्चन में जो आपको करा रहा हूं ये वैल्यूएबल क्वेश्चन. ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या. चलो बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन का याद रखिए. इस क्वेश्चन का आंसर है हॉकी. ठीक है हॉकी इसका आंसर है पूछा जा सकता है. हॉकी इसका आंसर है. ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा बताइए. ठीक है बाल बक्रम नेशनल पार्क जो है ये किस स्टेट का. ठीक है बताइए कौन सी स्टेट में. ठीक है बाल बक्रम जो नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ठीक है बताइए अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है. ठीक है आंसर क्या इसका मेघालय इसका आंसर है. ठीक है मेघालय इसका आंसर है. एक और क्वेश्चन देखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन. जल्दी से बताइए वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है आंसर है इस क्वेश्चन का 18 अप्रैल को. ठीक है 18 अप्रैल को आसान क्वेश्चन है पूछा जा सकता है. ठीक है 18 अप्रैल को इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का 18 अप्रैल इसका आंसर है. एक और क्वेश्चन देखिएगा. ठीक कुल्लम इज अ फोक डांस. ठीक है ये किस स्टेट का. ठीक कुल्लम जो है फोक डांस है किस स्टेट का बताइएगा. कौन सी स्टेट का फोक डांस है कुल्लम. ठीक है कमेंट करिए. अच्छे क्वेश्चन में से एक है पूछा जा सकता है बताइए आंसर क्या होगा. कुल्लम फोक डांस है किस स्टेट का. है ना शेयर करो सेशन को सोल्व करो क्वेश्चन को. ठीक है अब ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे आप ही का आंसर आएगा आप ही को पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है. आप आते होंगे तो बस कर दोगे 2 मिनट में है ना सारे के सारे क्वेश्चन. मिजोरम इसका आंसर है. ठीक है दीघे का खेल ही यही है कि बस आने चाहिए. ठीक है बहामास व्हाट इज द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ बहामास. ठीक है बताइए कैपिटल करेंसी क्या. बहामास की कैपिटल और करेंसी क्या है बताइए. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. एक सोल्व करिएगा आंसर क्या होगा. है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है आंसर क्या है बेटा याद रखना है. इस क्वेश्चन का आंसर है नशो और डॉलर. ठीक है दिमाग पर रखिएगा. ठीक है कैपिटल क्या है नशाऊ. ठीक है और करेंसी क्या है डॉलर. ठीक है याद रखिएगा.
ठीक है डॉलर के, क्योंकि बहामास जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के पास ही है, ठीक है अमेरिका का पास का फंड है पूरा बहामास का, ठीक है। सूरत सिटी जो है कौन सी नदी के किनारे, बताइए सूरत सिटी जो है कौन सी नदी के किनारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सूरत सिटी कौन सी नदी के किनारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, सूरत सिटी जो है कौन सी नदी के किनारे, बेटा याद रखना तापी नदी के किनारे, ठीक है तापी नदी के किनारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बताइए बेटा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अब ये तो आसान है यार लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अब इसमें एशिया दे ही रखा है, चलो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता फिर, जब एशिया दे रखा है तो उससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, गोल्डन गर्ल इस किताब के ऑथर कौन है, फेमस है गोल्डन गर्ल इसके ऑथर कौन है, बेटा अभी मैं आपको याद रखना 8 बजे एसएससी गुरु चैनल पे पढ़ाऊंगा, एसएससी गुरु ठीक है, आज भी जुड़ जाना एसएससी गुरु चैनल पे सारे के सारे, ठीक गोल्डन क्लासेस हैं ये बढ़िया तरीके से, ठीक है गोल्डन गर्ल के साथ आंसर क्या, इस क्वेश्चन का गोल्डन गर्ल पीटी उषा, ठीक है उस द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन गर्ल पीटी उषा आंसर है, पीटी उषा फेमस है एथलीट आप सभी जानते हैं, ठीक है चलो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज द कंट्री ऑफ पगोड़ा, कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ पगोड़ास कहा जाता है, जल्दी से बताओ कौन सी कंट्री को कहा जाता है भाई कंट्री ऑफ पगोड़ास, ठीक है बेटा कंट्री ऑफ पगोड़ास किसे कहा जाता है, याद रखिएगा आंसर इस क्वेश्चन का म्यांमार, ठीक है म्यांमार को कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी वाज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से देख, ठीक है आंसर क्या है, दांडी देखो दांडी मार्च जो सोल्ड सत्याग्रह वाला सिस्टम था वो किसका पार्ट, वो कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट था, किसका सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट है ना, तो बस वही क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट था वही लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक करंट अफेयर सुबह 11 बजे हो रहे हैं कल भी होंगे, ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच कमेंट करिए, कौन सा करेक्टली मैच है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे, ठीक है बट आंसर क्या इस क्वेश्चन, खजुराहो चंदेलास जो है यार ये करेक्ट है बिल्कुल, बाकी लोरा वाला गलत है, ठीक है क्योंकि महाबलीपुरम पल्लवास के साथ जुड़ना चाहिए था, ठीक है मीनाक्षी टेम्पल जो है शाकास के साथ जुड़ना चाहिए था, और इलोरा जो है राष्ट्रपुतास के साथ मिलना चाहिए था ना, बाकी सब गलत है, ये खजुराहो चंदेलास के साथ बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ना, जो करेक्ट है तो उसको टिक मार देंगे, एक और क्वेश्चन देखिएगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से देखो, ठीक इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर क्या बेटा याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्विमिंग म्यूजियम इन इंडिया, स्विमिंग म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, याद रखिए किसको, आईएनएस विक्रांत, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत को स्विमिंग म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, शेयर करना सारे के सारे जल्दी से, ठीक है जल्दी से शेयर करना आंसर क्या है, कायदे अजाम किसका नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना का, किसका मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है कायदे अजाम कहा गया है, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, महारत्ना रेफर्स टू, देखो महारत्ना क्या होता है आपने सुना होगा नाम मिनी रत्ना महारत्ना, ठीक है ये सब चीजें, ठीक है अब नवरत्न ये सब कंपनी है, अब कंपनी को क्या वर्ड लिखेंगे इसमें, वर्ड क्या यूज करेंगे, ठीक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा कंपनी है तो डेफिनेटली एक क्या है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है सोल्व करने वाला एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं पूछूंगा मैं, क्यों यार पेपर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछने चाहिए जो पेपर में आए, ठीक है फायदा क्या फालतू चीजें पूछना,
जैसे देखो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन हेड इज एसोसिएटेड विद द बीट्स ऑफ लंग एंड हार्ट। बताइए देखिए हमारे हमारे हेड में कौन सा ऐसा भाग है जो कि लंग्स और हार्ट से संबंधित है। बताइए कौन सा ऐसा भाग है जो लंग और हार्ट से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इसको बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा आंसर इस क्वेश्चन का, मेड्यूला ऑब्लिगेटा इसका आंसर, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लिगेटा इसका आंसर है जो कि हमारे हार्ट से लंग से बीट से संबंधित है ना, एकदम बड़ी आसान क्वेश्चन, ठीक है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जो है, ठीक है ठीक है, बरकतुल्लाह जो खान स्टेडियम है ये कौन सी स्टेडियम है, बताइए। अगर आपने सुना हो तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। शेयर करिएगा सेशन में, जल्दी से बताइए। जो बच्चा आ रहा है ना क्लास में, कंटिन्यूटी बनाओ, क्योंकि अभी हम एक अनअकैडमी की जो क्लास करेंगे इसके कंटिन्यूएशन में कर लेंगे और फिर एसएससी ग्रुप पे लगातार पढ़ेंगे। क्लास में पढ़ना है तो दिन में पूरा लगातार पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान इसका आंसर है, ठीक है, राजस्थान इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य, बाकी तो छोड़ो, ठीक है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य होती है ये बताओ इसमें से क्या आंसर होगा, ठीक है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, जल्दी से बताइए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, याद रखिएगा ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स होंगी, ठीक है, ट्रांसवर्स होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर होता है, दिल्ली सल्तनत कौन से सुल्तान थे जिन्होंने जजिया टैक्स ब्राह्मण पे लगाया था, जजिया टैक्स को ब्राह्मण पे लगाया था, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन आंसर क्या है, बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर के। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिए किसने लगाया था, ये फिरोजशाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है, फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मण्स पे ये जजिया टैक्स लगाया था, ठीक है, ये जो कर है ये फिरोजशाह तुगलक ने, सिंपली पार्क नेशनल पार्क बड़ा फेमस नेशनल पार्क है बेटा, ठीक है, ये जो हमारे कोमन नेशनल पार्क है ना उसमें से एक एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें से एक एग्जाम्पल है ये सिंपली पार्क नेशनल पार्क का, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उड़ीसा, ठीक है। एक और क्वेश्चन फेमस है भाई, याद रख लेना, ठीक है, आते हैं फेमस वाले, ठीक है। विच इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क सिचुएटेड, बड़ा आसान क्वेश्चन, वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क कहां पे सिचुएटेड, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, उत्तराखंड, ठीक है, वैली ऑफ फ्लोवर उत्तराखंड को कहते हैं, ठीक है, वैली ऑफ फ्लोवर जो है उत्तराखंड को कहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर बुल, अगर बुल का सब्स्टिट्यूट करना हो तो किससे करेंगे, अरे व्हाट विल बी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट द बुल, बुल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है, कमेंट करें, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि भाई बुल को सब्स्टिट्यूट करेंगे नायलन से, ठीक है, बाकी पीवीसी इन सबसे तो नहीं करेंगे ना, ठीक है, बुल को सब्स्टिट्यूट करना नायलन से करते हैं, और नायलन ही अगर ठंड सर्दियों में या तो चीज बुल की होती है या तो चीज वो नायलन की होती है ना, दोनों में से किसी एक चीज की होती है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक, क्वेश्चन को समझो कि मतलब ये क्वेश्चन उस लेवल पे है जिस लेवल पेपर आ रहा है, ठीक है, मैं लेवल से बाहर, मैंने अभी मैं कल से छोटे छोटे शॉर्ट्स डालूंगा, वो जरूर देखना, वो शॉर्ट्स किससे संबंधित होंगे, वो शॉर्ट्स इसी से संबंधित होंगे कि मैं आपको सीएचएसएल का एग्जाम का, ठीक है, छोटा छोटा मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, बताइए रॉकेट जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क, बताइए किस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बेटा याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। एक और क्वेश्चन देखो, Which of the following element is essential for the formation and growth of womens and cartilages? ठीक, cartilages जो है और जो womens है उनकी growth में क्या help करता है बताइए? Essential है, ठीक, growth करने के लिए, जल्दी से बताइए, share करना है बेटा session को, ठीक है, share करना है session को, जल्दी से बताइएगा answer क्या होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है।
ठीक है आंसर क्या है, कैल्शियम का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट द पार्ट ऑफ एटमोसफेयर, कौन सा एटमोसफेयर का पार्ट नहीं है, जल्दी से बताइए, ठीक, कौन सा एटमोसफेयर का पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक जल्दी से बताइए। ठीक है देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, इसमें कौन सा एटमोसफेयर का पार्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन हो गया भाई, क्लोरीन थोड़ी एटमोसफेयर में पाया जाएगा, क्लोरीन थोड़ी एटमोसफेयर में पाया जाएगा, तो बेसिक क्वेश्चन है तो, ठीक है, क्लोरीन थोड़ी पाएगा एटमोसफेयर में, ठीक है बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी जगह पे सिचुएट, जल्दी से बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर है वेस्ट बंगाल इसका आंसर है, ठीक है वेस्ट बंगाल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है चलिए बताइए, ठीक है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, छोड़ेंगे आसान क्वेश्चन एकदम, ठीक है बताइए, तीन प्राइमरी कलर होते हैं, कौन से तीन प्राइमरी कलर इसमें, जल्दी से कौन से इनमें से तीन प्राइमरी कलर है, बेटा याद रखना ऊपर चैट बॉक्स में जो मैंने लिंक लिखवाया ना वो किसका है बेटा, क्लास का है क्या वो, अभी अपन लोग ना इस क्लास के एंड होते 6:10 पे एक सेशन करेंगे अनअकैडमी में, एक अच्छा सेशन अनअकैडमी में करना है हमें, ठीक है 6:10 पे लिंक को ओपन करके जुड़ जाना, कनेक्टिविटी में मस्त तरीके से क्लास होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी आज 6:10 पे। ब्लू ग्रीन और रेड इसका आंसर है, ऑब्वियसली ब्लू ग्रीन और रेड प्राइमरी कलर है, ठीक ब्लू ग्रीन और रेड जो है प्राइमरी कलर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, कमेंट करिएगा कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कौन सा नहीं है, कॉटन नहीं है ऑब्वियसली, है ना, कॉटन इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, कॉटन इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एनी बेसेंट एस्टेब्लिश होम रूल लीग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है देखो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने एस्टेब्लिश किया था होम रूल लीग, ठीक है एनी बेसेंट ने कौन से वर्ष में एस्टेब्लिश किया था ये पूछ रहा डायरेक्टली, ठीक है हमसे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन, जल्दी से देना, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 1916 में बस बाल गंगाधर तिलक से थोड़े समय बाद ही इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, फॉर विच डिसीज ट्रीटमेंट रेडियो एक्टिव आयोडीन इज यूज, ठीक रेडियो एक्टिव आयोडीन को किसके लिए यूज किया लाया था, कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है यूज में लाया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए, अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भाई जल्दी से बताइए, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर है थायराइड डिसीज, थायराइड डिसीज को ठीक है रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है थायराइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए लाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाकिस्तान क्रिएशन का एडवोकेशन किसने किया, मतलब इसकी वकालत किसने की कि भाई पाकिस्तान बनना चाहिए, ठीक है ऐसी वकालत किसने करी थी बेटा याद रखिएगा, आंसर क्या है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है मोहम्मद इकबाल किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल से, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है मोहम्मद इकबाल इसका आंसर, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर इन दिस स्टेट इज, ठीक है पुजहर लेक, ठीक है पुजहर लेक जो है बेटा नए नए क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जो आप पेपर में आते हैं तो हमें लगता है यार आउट ऑफ कंटेस्ट पेपर आ गया, ठीक किसी को नहीं आता होगा, आता होगा उस बच्चे को आता होगा जिसने मेरी क्लास देखी होगी, ठीक है पुजहर लेक कौन सी स्टेट में, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक पुजहर लेक जो है ये कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या बेटा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका आंसर है, तमिलनाडु में पुजहर लेक, चलो एक और क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आंसर है इस क्वेश्चन का असम, ठीक है असम इसका आंसर है पूछा जा सकता है, ठीक असम है आंसर। एक और क्वेश्चन, ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट इन आवर कंट्री, ठीक है बेटा जो ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है हमारे देश में, ठीक है वनस्पति वो कहां पे, सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन कहां पे बताइए, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो अभी तक जो फालतू का हो, सारे क्वेश्चन वर्थ वॉचिंग क्वेश्चन है, ठीक है
और ऐसे ही क्वेश्चन इसी मैराथन को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ 6-10 पे, ऐसे ही क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन बैंक बना दिया आपका एक, ठीक है, याद रखना कितने बजे अभी होगा, इस क्लास के एंड होते ऊपर लिंक दे रखा है, नोटिफाई आपको करना है इस रेफर कोड को यूज करके, ठीक है, अभी इस क्लास के एंड होते ही करेंगे आज, ठीक है। कोलकाता इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शोल्डर किसका मिश्रित धातु है, बताइए शोल्डर किसका मिश्रित धातु है, जल्दी से देखो शोल्डर किसका मिश्रित धातु है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक, शोल्डर है मिश्रित धातु, बेटा याद रखना बेसिक क्वेश्चन है, आंसर है टिन और लेड का, किसका, टिन और लेड का मिश्रित धातु है शोल्डर, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताइए राजाजी नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आंसर है इस क्वेश्चन का उत्तराखंड है, कहां पे, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्युबल, कौन सा वाटर सोल्युबल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है बताइए, ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कौन सा वाटर सोल्युबल है, आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा विटामिन बी, विटामिन बी जो है वाटर सोल्युबल है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डेसिबल किसकी यूनिट, कमेंट करिए, डेसिबल इज द यूनिट, बेटा याद रखना अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये फिक्स टाइमिंग है 5 बजे, मैं आपके लिए कल से लूसेंट सीरीज दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ 5 PM पे, इसी टाइमिंग पे 5 बजे मैं आपके लिए लूसेंट सीरीज दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, कल शाम को 5 बजे से जो मैं लूसेंट सीरीज आपको कराता था, ठीक, मोमेंटम था जिस सीरीज का, वो करने वाले हैं, ठीक है, दोबारा कल 5 बजे इसी सेशन में आप आ सकते हो, ठीक है, कल भी ये सेशन होगा 5 बजे लूसेंट सीरीज, ठीक, साउंड ऑफ इंडियन सीरीज का आंसर एक क्वेश्चन, बेटा जो पेंसिल का जो लेड होता है वो किसका बनता है, ठीक है, पेंसिल में जो लेड होता है वो किसका बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइएगा, पेंसिल में जो लेड होता है वो किसका बनता है, ठीक है, पेंसिल में जो लेड होता है वो किसका बनता है, याद रखना आंसर क्या स्टूडेंट, ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नैमे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बताइए नैमे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए, नैमे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, नैमे किसकी कैपिटल, दिमाग खोलने वाले, आप मेरी क्लास में कल 5 बजे दोबारा आ जाना, आपकी ये टाइमिंग फिक्स कर दिया मैंने 5 बजे इसी चैनल पे वाईफाई स्टडी पे 5 बजे, ठीक है, तो आप कल भी 5 बजे आओगे तो लूसेंट सीरीज का एक सीरीज पाओगे, ये जो बैकग्राउंड में आना लूसेंट का फॉन्ट, ये लूसेंट सीरीज स्टार्ट करा रहा हूँ कल से मैं, ठीक है, नैमे किसका है, नाइजर, इसको इसलिए पूछा क्योंकि नाइजर को इंडिया पैसा दे रहा है, ठीक है, नाइजर को इंडिया पैसा दे रहा है हेल्प के लिए, हाँ जी, पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर की गई, बताइएगा पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन बताइए आंसर, एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आंसर क्या है, पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी जॉन सॉक के द्वारा की गई, ठीक है, जॉन सॉक के द्वारा पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की गई, ठीक है, जिंदल मेगा पावर प्लांट कहां पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में, जल्दी से बताइए, जिंदल मेगा पावर प्लांट कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताओ आंसर क्या है ना, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, जिंदल तो भाई बड़े फेमस, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दिमाग खराब, जिंदल टावर भी है, ठीक है, हरियाणा हिसार में, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, आम सा सवाल है कि भाई प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, ठीक है, पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, ठीक है बताइए, ठीक है बेटा आंसर क्या इस क्वेश्चन, याद रखिएगा इस क्वेश्चन आंसर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है, पूछा जा सकता है, काम का क्वेश्चन है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ओ भाई साहब इन्होंने तो खेल ही कर रखा है, पीडीएफ में थोड़ी सी गद्दारी हो रही है मुझे लग रहा है ना, तो भाई इतना मुश्किल बना ही दिया इसने आंसर ऐसा लगा के, ओमेंस का आंसर, ठीक है, ओमेंस का आंसर, वाकई भाई वाकई वाकई पीडीएफ बनाने वाले ने बहुत दिमाग होता है, जिंक ऑक्साइड क्या है, जल्दी से देखो,
जिंक ऑक्साइड क्या है बेटा, जल्दी से बताएगा सारे के सारे जिंक ऑक्साइड क्या। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्या है, ठीक है। ठीक है, याद रखना जिंक ऑक्साइड क्या है, ठीक है, एम्फोट्रिक है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, आईसीडी का फुल फॉर्म क्या, आईसीडी आपने सुना फेमस है आईसीडी, ठीक है, आईसीडी का फुल फॉर्म क्या, कमेंट करेंगे बेटा। हर एक बच्चा जुड़ जाना, मतलब ये मैराथन है तो पूरी लंबी चलेगी, तो इस क्लास का ही कंटिन्यूएशन मैं करा रहा हूँ 6:10 पे आने अकेडमी में। मतलब मैं इधर क्लास को एंड करते 5-10 लगेंगे मुझे स्टूडियो ऑफ करने में और अन अकेडमी क्लास में आने में। फ्री क्लास है पूरी आपकी और इस क्लास का ही कंटिन्यूएशन है, और पूरे कंटेंट इधर से छोड़ेंगे उधर कंटिन्यू करेंगे बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतना एक घंटे का स्लॉट ले रखा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, सोमासिला डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताइए सोमासिला डैम कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। जब उस लिंक को ओपन करोगे तो रेफर कोड ओपन करने के लिए कहीं मांगता है तो लाइव ऑन लगाइएगा, ठीक है, एसएससी गोल सिलेक्ट करके। सोमासिला डैम बेटा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाई ऑफ द कंट्री अटैक ऑन द इराक इन दिसंबर 1998, यूएस कुवैत ने किया था, ठीक है। देखो बात क्या हुई थी, ठीक है, इराक पे अटैक किया था कुवैत ने और अमेरिका ने, ठीक है, 1998 में। इसका कारण क्या रहा, क्योंकि इराक ने पहले अटैक किया था, ठीक है, यही है, ठीक है। ऑयल के ऊपर वॉर हुआ था जिसकी वजह से सभी को भुगतना पड़ा था, ईरान, इराक, यूएसए, कुवैत, सभी को। यूएसए को कुछ भुगतना नहीं पड़ा, बस इन तीनों को भुगतना पड़ा, कुवैत, ईरान और इराक को। द प्लांट विच ग्रो अंडर द वेस्ट वाटर स्ट्रेस, मतलब पानी की अगर कमी हो तब भी उग जाते हैं, कौन से प्लांट बताइए, कौन से प्लांट पानी की कमी में भी उग जाते हैं, ठीक है बेटा। याद रखिए ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं ना वो पानी की कमी में भी उग जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। डिपॉजिट्स हैविंग फिक्स पीरियड टू द मैच्योरिटीज, अरे भाई टाइम डिपॉजिट्स होते हैं ना जो फिक्स पीरियड वाले होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट एफडी कराना, ठीक है, टाइम पीरियड ही तो होता है। ऊपर जो लिंक दे रखा है, क्लास ये जब एंड होगी तो उसके बाद नोटिफाई करना है इस रेफर कोड को, लाइव अमन यूज करके। ऊपर वाला जो चैट बॉक्स के ऊपर लिंक है वो क्लास का लिंक है, इसका कंटिन्यूएशन, इसी क्लास का कंटिन्यूएशन 6:10 पे स्टार्ट कर देंगे। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अब भाई इधर लीनियर और एंगुलर दे रखा है, ठीक है, अब बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा, बताइए, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि रॉकेट ऐसे तो जाएगा नहीं एंगुलर मोमेंटम के साथ, है ना, समझ रहे हो, ठीक है। एसिटामाइड इस वर्ड, जैसे अभी पूछ रहा था ना वैसे एसिटामाइड का पूछ रहा, ठीक है, एसिटामाइड क्या है, चलो आंसर क्या है, एसिटामाइड एम्फोट्रिक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर, अब वही देखो ना ऑप्शन में जो मैं आपको सिखा रहा था स्टार्टिंग में, सल्फर से, सल्फर वाला वही क्वेश्चन पकड़ना बाद में, है ना, वही क्वेश्चन में आ रही है बात, ठीक है। तो आंसर क्या बेटा, आइसोप्रीन इसका आंसर, नेचुरल रबड़ होता है, इसमें सल्फर डाल के नियोप्रीन आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले, कोई भी एग्जाम्पल देना, एक बार ना यूट्यूब पे इंडियन पॉलिटी सर्च कर लेना, ये लिंक आएगा, मतलब ऐसा थंबनेल आएगा, इस क्लास के बाद तो आपका ये अनअकैडमी की क्लास कंटिन्यू करनी है, उसके बाद आप सर्च कर लेना, ठीक है, आज के ये क्लास का, ठीक है, ठीक है। पाद्यानी इज अ फोक डांस ऑफ केरला, एक और क्वेश्चन देखिएगा, आज एसएससी गुरु चैनल पे भी क्लास होगी रात को, एसएससी गुरु जो यूट्यूब चैनल है, कौन सा, एसएससी गुरु जो है ये यूट्यूब चैनल है, इस पे क्लास होगी, देखना। शाहजहां ने मोती मस्जिद कौन से शहर में बनाया, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आगरा, ठीक है, आंसर क्या इसका, आगरा, ठीक है। बताइए फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द एवरेस्ट समिट ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है, ओ भाई साहब, ठीक है, पहली महिला जो एवरेस्ट में क्लाइम करी थी एक वीक में दो बारी, गजब, ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है, चुरिम शेरपा, ठीक है, ऑसम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
हे वेदांता जस्ट का पावर स्टेशन इज लोकेटेड, नाम से पता चल रहा है। ठीक है बताइए आंसर क्या इसको। सोल्व करो भाई सारे के सारे। ठीक है फिर उसके बाद अन अकेडमी क्लास लगातार कंटिन्यूएशन में मैराथन नहीं है, क्वेश्चन करने क्वालिटी क्वेश्चन करने तो जुड़ जाना, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा, ए टू जेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका अब क्लासेस में। उड़ीसा इसका आंसर है। ठीक है इसी के बाद क्योंकि जो मैं आपको आज अन अकेडमी करा दूंगा वो कल नहीं कराने वाला, पूरे हफ्ते नए क्वेश्चन चलेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है तो छोड़ना मत क्वेश्चन को। गदर पार्टी कौन सी दिन बनी थी। अब देखो इसका आसान सोल्यूशन क्या है कि नाम से सोल्व कर दोगे। ठीक है हमें ईयर का पता हो ना हो, लाला हरदयाल का तो पता है ना, मैं तो ऐसे ही सोल्व करता। ईयर का पता हो ना हो, लाला हरदयाल का तो पता है ना कि वो भी नहीं बता पूरे दिन आगे। ठीक है लाला हरदयाल इसका आंसर 1913 में। कोनार डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है बताइएगा। कोनार डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई कोनार डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है तो याद रखिए कोनार डैम कहां पे लोकेटेड है, झारखंड में। ठीक है झारखंड में लोकेटेड है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है। एक और क्वेश्चन देखिए, स्टेट इन विच द रियल पावर इमेज फ्रॉम द पीपल। ठीक है बेटा कौन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है, इसमें सॉवरेन भी दे रखा है, इसमें डेमोक्रेटिक भी दे रखा है। ठीक है वह राज्य जिसमें लोगों से वास्तविक शक्ति मिलती है। अब ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, बच्चे इसका आंसर डेमोक्रेटिक लगाएंगे कि लोकतांत्रिक है। बेटा नहीं, लोकतांत्रिक सिर्फ ये कहता है कि लोगों का राज। ठीक है लोगों से शक्ति मिलती है, सरकार को हम बनाते हैं, इसलिए वी आर सोवरेन, क्योंकि संप्रभुत राज्य भारत एक सोवरेन कंट्री है, क्योंकि हमारे थ्रू पावर मिली है सरकार को। ठीक है क्वेश्चन होता है गलत, मैं बता रहा हूं इसलिए मैं कह रहा था कि बच्चे गलत करते हैं। बेटा मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए पूरी टीम के साथ लाइव अमन रेफर कोड आप यूज कर सकते हैं, 25 अप्रैल से कोर्स लाइव हो रहे हैं। ठीक है मैं आपको बेसिक से एडवांस बहुत कम फीस पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सफलता बैच में अन अकेडमी पे। ठीक है लाइव अमन रेफर कोड यूज करके जुड़ सकते हो आप। एक और क्वेश्चन देखिए, पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसी भी देश की, श्रीलंका की एग्जाम्पल। ठीक है नाम बताइएगा, आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा सर के साथ। ठीक है आंसर क्या है बेटा, याद रखना आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है शिरमुका भंडवार के इसका आंसर है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी। बेटा जो भी बच्चा क्लास को देख रहा है ना, कंटिन्यू करना क्लास को, अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। अभी मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, ये क्लास खत्म होते ही 5 मिनट में अकेडमी में इसी को कंटिन्यू करूंगा, इन्हीं क्वेश्चन को और आगे तक। ठीक है मैराथन इसलिए कहा है मैंने इस क्लास को कि हम करेंगे कंटिन्यू, नहीं तो मैं कंटिन्यू में ना लगाता। ठीक है ऊपर लिंक दिया चैट बॉक्स पे, ये रेफर कोड है लाइव अमन, इसको यूज करना, जुड़ जाना। आंसर इस क्वेश्चन का टेक ऑल। मिल्क इज डैश, मिल्क इज अ मिक्सचर, मिश्रण होता है। नेशनल कैलेंडर संवत जो है हमारा कौन सा है बताइए, कौन से संवत से हमारा नेशनल कैलेंडर बनता है, हमारे देश का नेशनल कैलेंडर किससे बनता है जल्दी से बताइए। ठीक है आंसर क्या है, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, कौन से उससे हमारा नेशनल कैलेंडर बनता है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का। ठीक है शाखा संबत से, शाखा संबत से बनता है। विच ऑर्गेन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है हमारे शरीर का कौन सा भाग जो इफेक्ट होता है, वर्टिबल हमारी रीढ़ की हड्डी जो स्पॉन्डिलाइटिस से जो है ना इफेक्ट होती है। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, पूछा आज। ठीक है चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताए। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का, इन विच स्टेट इज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट सिचुएटेड। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहां पे सिचुएटेड, कौन से स्टेट में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है कहां पे, छत्तीसगढ़ में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ ट्रीटी ऑन मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है ट्रीटी ऑन मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चरखा इसका आंसर है। अब गलती से इधर धनवंतरी मत लगा देना। ठीक है धनवंतरी ने ट्रीटी लिखी किसने, चिकित्सा के ऊपर जो ग्रंथ लिखा है वो धनवंतरी ने लिखा, बट चरखा ने लिखा है। ठीक है चलिए बताइए और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इनकरेक्ट पेयर कौन सा, आंसर है इस क्वेश्चन का गुजरात। ठीक गुजरात इसका आंसर पूछा जा सकता है। ठीक
इसका आंसर पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करें। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किससे डील करता है बेटा, आंसर क्या है, सभी से डील करता है। हाँ जी, ह्यूमिडिटी को मैसेज करेंगे, हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा इकोनॉमी, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था जो है कैसी बेटा, सेशन को लाइक करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन उठा रहे हैं, फिर अन अकेडमी पर पहुंच जाओ जल्दी से, ठीक है। चलो आंसर क्या क्वेश्चन का, अर्बन है शहरी। एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं करे क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध वाज बोर्न, गौतम बुद्ध का जन्म कौन सी जगह पे हुआ था, बताइए गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कौन सी जगह पे हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कौन सी जगह पे हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में लुम्बिनी में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो स्टेट में कौन अपॉइंट करता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज कौन अपॉइंट करता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज स्टेट में कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, कंसल्टेशन हाईकोर्ट की लेता है, ठीक है, कंसल्टेशन किसकी लेता है, हाईकोर्ट की लेता है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्री फिश, क्वेश्चन सोल्व करो सारे के सारे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। फाइनल दो क्वेश्चन रह रहे हैं, उसके बाद दो क्वेश्चन रह नहीं रहे, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अनअकैडमी के जो ऊपर चैट बॉक्स पे लिंक दे रखा है ना, अनअकैडमी कंटिन्यू करो, 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करा दूंगा वहां पे भी, ठीक है, लिंक ओपन कर लो जल्दी से सारे के सारे, ठीक है, लाइव ऑन रेफर कोड यूज करके, मतलब कंटिन्यू करना है, ठीक है, स्टारफिश इसका आंसर है। चलो जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, इस चीज को दिमाग में रखो, आपकी जो ये क्लास है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अनअकैडमी में, क्योंकि इधर एक घंटे का स्लॉट ले रखा है मैंने बस, ठीक है। तो आप सारे के सारे उस लिंक को ओपन करो और जुड़ो, आज आपका एसएससी गुरु चैनल पे भी मैराथन होगा रात को 8 बजे, एक और वो करंट अफेयर को लेके होगा, एसएससी सीएचएसएल जीडी एमटीएस सबके करंट अफेयर उसमें हो जाएंगे, एसएससी गुरु चैनल पर रात को 8 बजे, ठीक है। सारे लिंक को ओपन करो, उस ऊपर जो लिंक दे रखा है बेटा, लिंक ओपन करके इस रेफर कोड को यूज करें, जल्दी से जुड़ जाओ सारे के सारे, मैं क्लास स्टार्ट करा रहा हूँ अनअकैडमी पे, बस 5-10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करा रहा हूँ, और इसी को ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं या आपके उधर, मैं उधर स्टार्ट करा दूंगा अभी, क्योंकि मैंने पूरा कंटिन्यू मैराथन कराना है, तो सारे पूछो, 10 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे क्वेश्चन, ठीक है, 10 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, लंबा है पीडीएफ, तो मैराथन उधर स्टार्ट कराते हैं, मैं एक बार एंड पे ले जाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, ठीक है बेटा, इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलो जो भी बच्चा देख रहा है ये याद रखना कि अपनी अब ये क्लास डेली 5 बजे होगी, ठीक है, डेली 5 बजे क्लास रख रहा हूँ लूसेंट की, मिस मत करना सारे के सारे, ठीक है, ये क्लास होगी 5 बजे अभी कल से लगातार, ठीक है। चलो जी, और याद रखो आपके कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, जब जो कोर्स लाइव हुआ है ना वो आपकी हिम्मत है कि मतलब, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप फ्री पढ़ रहे हो हमसे इतना, मैं आपको प्लस कोर्सेज भी दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, मुझे पता है कि आपकी सफलता का कारण बन सकता है जो मैं इसमें थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और जो पूरी टीम पढ़ा रही है, सभी सब्जेक्ट होंगे ए टू जेड, पूरी टीम पढ़ा रही है तो सभी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, पूरी टीम पढ़ाएगी आपको एक ही कोर्स में, एसएससी गोल ले लो या बैंक रेलवे जिसमें भी पढ़ना चाहते हो, गोल सिलेक्ट करना, ठीक है, अटैचमेंट क्लिक करना, मंथ सिलेक्ट करना और रेफर कोड लगाना लाइव ओमन डिस्काउंट के लिए, ठीक है, ये तरीका है पूरा जुड़ने का, और इसी तरीके से आप अभी इस रेफर कोड को यूज करके अनअकैडमी क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है, 10 मिनट में स्टार्ट करा रहा हूँ क्लास, ठीक है, 10 मिनट में, ठीक है, एंड कर रहे हैं इधर सेशन और अनअकैडमी में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2-3 घंटे पढ़ लेना चाहिए आज, ठीक है, सतर्क बढ़िया एकदम तरीके से, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से अनअकैडमी पे, ठीक है, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे के सारे, बढ़िया तरीके से मिलेंगे अनअकैडमी 10 मिनट में। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी। बेटा सेशन में ना डेली बेसिस पे जुड़े करो, ये 5 बजे वाली क्लास डेली बेसिस पे हो रही है, तो मतलब आप फिक्स टाइमिंग रखोगे 5 बजे आपको जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है, जब आप जुड़ोगे रेगुलर बेसिस पे तभी फायदा है आपको।